अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वा फैशन डिजाइनर। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सम्मान में रखे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपको एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग बताऊंगी नए स्टाइल में, यानी कि शॉर्ट कुर्ती डिज़ाइनिंग, जिसमें आपको बहुत ही फिराक के स्टाइल में मैं आपको बताऊँगी इसमें, और आपको इसमें मिलेगा एक नया टच। तो आगे चल सकते, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आप देख सकें। तो जी भी भाई, ये है 5 से 6 साल की बच्ची का, मगर ये जो आप है ये आप फुल लेडीज़ का भी बना सकती हैं, आप जिस तरह चाहें इस तरह, नीचे से जितना इसको चाहें। फ्रंट इसकी जो है वो फिराक के हिसाब से और बैक जो शर्ट के हिसाब से आप बनाए। बैक भी इसी साइज से बनाना चाहे तो बना सकती हूँ, मगर मैं मेरा कपड़ा शॉर्ट था तो इसलिए फिर मैं इसकी बैक साइज जो है वो मैंने जितनी मैंने शर्ट रखी है जितनी मिनट के बाद तो फिर वो बना दूँगी। देखिए यहाँ से आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग करूँगी और करने के बाद ऊपर मैं आपको यहाँ चुनते सारी डालूँगी, इलास्टिक लगा के इसकी चुनते डालूँगी, बारीक जो फिटी वाली इलास्टिक है। तो इस पे ये मेरा जो है ये एक पीस था छोटा सा, तो उस पीस से मैं आपको ये कुर्ती बनाऊंगी, शॉर्ट कुर्ती जो इस बहुत ही आजकल फैशन में इन है। कुर्ती वैसे हर सीज़न में इन होती है, मगर इसका टच अलग अलग होता है, लॉन्ग भी होती है शॉर्ट भी होती है, मगर ये मैं आपको शॉर्ट कुर्ती डिज़ाइनिंग बहुत ही बताऊँगी आसान जो है वो तरीके से, जैसे हम पेटी बनाते हैं इसी पेटी के लेंथ के लेंथ और लेंथ के हिसाब से जिस तरह हमें चाहिए, हमें बच्ची की कितनी चाहिए या हमें फूल जो है वो कितनी चाहिए वो भी पेटी बनाएं, और पेटी बनाने के बाद आप उसकी कटिंग करके, ये मैंने बनाई है 12 इंच इसकी लेंथ की है और लेंथ इसकी है 14 इंच। तो अब नीचे वाले कपड़े को भी आप देख लेना, कहीं मैं भी ना काट दूँ इसको बच्ची है। तो जी वजिए देखिए, आप इसको फोल्ड करें जिस तरह हम दरमियान से काटते हैं, तो उसी तरह हम इसकी कुर्ती की गुलाई बनाएंगे। ये देखिए जिस तरह मैंने आर्म होल की कटिंग की है, तो वही कटिंग उसी कटिंग के साथ मैं इसको लेकर आऊँगी। इस तरह इसकी जो है राउंड शेप बना लें, बहुत ही जितनी आप चाहें, अगर चकोर भी बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है, मगर मैंने इसकी राउंड शेप बनानी है। इस तरह इसको कटिंग करने के बाद इसके बाद हम इसके फिर बनाएंगे आर्म होल बनाएंगे। अब ये दरमियान वाली कट करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ हम इस तरह जो इस तरह चुनते डालेंगे। ये देखिए ये हमारा जो नेक बनेगी वो इसी चुनटों के ऊपर हम पाइपिंग लगा के नेक की साइड बनाएंगे, और ये कुर्ती हमारी ऊपर जाएगी, हमारा नेक भी बनेगा और साथ में फिराक भी बनेगा, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिजाइनिंग बनेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर नेक्स्ट जो स्टिचिंग है वो देखिएगा, मैं आगे इसकी स्टिचिंग लेकर आ रही हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है ज़रूर मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अमान में रखे। तो ये मैंने डबल कपड़ा लिया है क्योंकि अब मैं डबल करूँगी, और इसी नीचे फिराक को लेंथ सिंगल कपड़ा लेकर नहीं चल सकता, तो आप जब भी ये वाली कुर्ती बनाएं डबल कपड़ा लें, क्योंकि फिर वो ऊपर से ढीला ढीला हो जाता है, तो ढीला ना बनना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।